ਮੋਰੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਸਾਰੀ ਚਾਲੀ ਕਾਟਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਮੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੁਝੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦੋਂ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕੇ ਲਈ ਅਭੀ ਆਇਆ ਹੂੰ ਛੱਤ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਡਾਬ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ दोस्तों तो कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है और माशाल्लाह से बड़ी तेज़ और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और जनाब इतनी तेज़ आंधी थी कि हमारी ये वाली तरपाल भी इस जगह से जो है ना वो उस जगह पर बंधी हुई थी और वहाँ से भी तार टूट गई है। तार के साथ दोस्तों हमने बंधी हुई थी, हवा का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो ना वहाँ से टूट गई है। तो दोस्तों आज हमने जो है ना नीचे की सफाई करनी थी जो कल की हमारी बकाया रह गई थी, जोन तो हमने पुता हुआ था लेकिन अब पता नहीं जोन आता है या नहीं, इस चीज़ का नहीं हम पूछ सकते क्योंकि बारिश जो है ना हल्की फुल्की अभी भी हो रही है। अली भी मेरे साथ है तो हमने यही सोचा था कि आज हम सफाई करेंगे जो हमारी बकाया रह गई थी लेकिन यार बारिश की वजह से बड़ी तेज हवा चल रही है और ये हमारे सामने खजूर लगी हुई है दोस्तों, इसके ऊपर काफी ज्यादा फल भी लगा हुआ है जो अभी कच्चा है और इसके ऊपर दोस्तों जंगली पैरट्स भी आके बैठते हैं, ग्रीन रिंग नेक जो वाले हम जो हमारे पास है उस तरह के अक्सर यहाँ पर ज्यादातर मेल आकर बैठते हैं जो है ना दोस्तों। इसके ऊपर गिलहरियां जो है ना आ रही है जी, काफी ज्यादा कच्ची खजूरें जिन्हें हमारी जबान में डोखा भी बोला जाता है, बाकी हर इलाके की अपनी अपनी जबान है। और ये चेक करें काफ़ी मैंने ज़्यादा जूम की गिलहरियाँ चेक करें दोस्तों, एक टहनी पर बैठी हुई हैं और उन्हें डर भी नहीं लग रहा है इतनी तेज़ हवा में। ये देखें अब हवा से कैसे यहाँ से वहाँ टहनी जा रही है और माशाल्लाह तीनों ने अच्छा होल्ड किया हुआ है। दोस्तों इस वक्त हवा ये चेक करें दरख्त किस तरह हिल रहा है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, देखते हो वैसे कैमरे से देख रहे हो वैसे वैसे भी नजर आ रही, वैसे तो इतनी नजर नहीं आती। ये चेक करें दोस्तों, दोस्तों मैंने ना प्लान किया हुआ है कि इनका कहीं से बच्चा जो है ना वो हमारे हाथ लग जाए तो उसे पकड़ें और अपना टेम बनाए। चलते हैं नीचे जाकर नीचे के हालात देखते हैं क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। अपने मास्टर केज के भी हालात चेक करते हैं क्योंकि भाई आज जुमे का दिन है तो जुमा पढ़कर जो है ना अब हम फ्री हुए हैं। वैसे डाइट तो हमने सुबह डाल ली थी और ये हैं जी नीचे के हालात और वो रही है हमारे सामने डक्स। दोस्तों डक जो है ना इनके लिए ये मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि ये पानी की शौकीन है, पानी वाला जानवर है तो ये बहुत ज़्यादा भाई खुश होता है। क्यों भाई डकी गैंग आपको बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दें दोस्तों, इन्हें बाहर निकाला तो अली भाग जाता है। अली आप डरते हो यार, इनसे भी तो नहीं ना डरते, वो मुझ पर भी अटैक करता है लेकिन उसे मैं मना करता हूँ वो बाहर आ जाता है। दोस्तों मुझ पर भी हर किसी पर ही अटैक करता है, मेल फीमेल तो नहीं करती, फीमेल दिखने में भी मासूम है वैसे भी और ये हमारा मेल जो है ना ये करता है। चलो अभी थोड़ी देर तक इसे खोलते हैं क्योंकि अभी अजान होने लग गई है तो अजान के बाद वीडियो भी बनाते हैं और दोस्तों फिर इन्हें खोलते हैं, ये भी अपना मौसम एंजॉय करें और साथ में आपको अपने जो है ना ये देखें ये सारी सफाई हमने जोन से करवानी थी। अब जोन जो है ना वो बारिश का बहाना करेगा तो अब हमने ये ऐसे देसी जुगाड़ लगा कर सारे काम किए हुए हैं, जैसे ही हमारा ये वाला ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा फिर हमें दोस्तों ये चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और वीडियो में भी अच्छी नहीं आती। ऐसे ही कपड़े उठाए लगा दिए, वो उधर प्लाई का पीस लगा दिया क्योंकि दोस्तों हवा ही शुरू की थी तो ये सब कुछ करना पड़ा। ये तो दोस्तों मैं सफाई के लिए अभी आया हूँ छत पर दोबारा वापस और जनाब ये बहुत ही प्यारी डब बैठी हुई है जो कि बिल्कुल जंगली है और जनाब ये जो है ना हमारी डब की आवाज़ सुनकर जो है ना वो इस जगह पर आई है। मैं गया था चेंज करने के लिए क्योंकि दोस्तों मैंने करनी है इस जगह पर सफाई और ये यार आज जॉन भैया तो नहीं आ सके और जॉन के ना आने की वजह से फिर अब मैंने यही सोचा कि यार मैं जल्दी से ये सारा सामान उठा लूँ और इधर जो है ना अच्छे से सफाई वगैरह करें, अपने चूज़े वगैरह यहाँ पर खुले छोड़ें कुछ देर के लिए यहाँ पर घूमें फिरें, इस तरह वो हेल्दी भी होंगे और एक्टिव भी होंगे। तो अभी जो है ना
मैं जल्दी से ये सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने चूज़े जो है ना उन्हें बाहर निकालते हैं। और दोस्तों हमारे जो है ना ऊपर हमने जो अभी एक क्लिप शूट किया है वो जनाब इस खजूर के ऊपर बैठे हुई थी गिलहरियाँ, और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने की वजह से यार दोस्तों आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो उसे जो है ना ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि हवा बड़ी तेज़ थी। तो अभी हम जो है ना जल्दी से सफाई कर लें, उसके बाद फिर आप मिलते हैं जी। तो दोस्तों इस जगह की थोड़ी बहुत तो सफाई हो चुकी है और मैंने अपने चूसे भी बाहर खोल दिए हैं, और ये माशाल्लाह बड़े मज़े से जो है ना वो डाइट वगैरह खा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने डक्स का केज भी अच्छे से आज धोया है, क्योंकि दोस्तों बारिश की वजह से जो है ना अंदर काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था, इसलिए जो है ना मैंने इसे नीट एंड क्लीन कर दिया, सारा नीचे से वॉश कर दिया। और उस जगह पर जो है ना मैंने पलाइयाँ वगैरह रख दी हैं ताकि नीचे से ज़मीन अगर गिली होती है तो ये सारे बच्चे जो है ना वो उसके ऊपर जाकर बैठ गए, तो उसके लिए भी जगह बना दी है दोस्तों। और हमारे ये चूज़े जो हैं ये दाना शाना खा रहे हैं, अभी ये सारा छत वॉश होगा, लेकिन दोस्तों मैं अभी वॉश नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, मगरब भी होने वाली है, तो अभी जो है ना थोड़ी देर बासी नहीं खोलते हैं। और माशाल्लाह से हमारा ये वाला चूज़ा अब जो है ना दोस्तों ये वाली टांग भी नीचे लगाने लग गया, इसका पाँव मुड़ा हुआ है तो वो थोड़ी बहुत जो है ना वो अपनी टांग नीचे लगाने लग गया, पहले नहीं था लगाता, अब जो है ना माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। और माशाल्लाह इसकी सेहत भी जो है ना दोस्तों दूसरे चिक से जो है ना वो बेहतर है। और दोस्तों ये हमारे साथ स्कूल के ऊपर जो है ना साथ एक बिल्ला भी आ चुका है, और ये कोई नया ही बिल्ला आया है ना अली? हाँ जी। लो जी हो गया, कितना प्यारा है, इसकी हाइट कितनी प्यारी है, ये चेक करें दोस्तों, ये ऊपर आने लगा इस जगह से। ओए दोस्तों ये चेक करें, हमारी लैला अपने उस केज से बाहर निकल आई है, और इसने जो है ना इस जगह पर देखे सुराख करके, तो ये मजनू भी इसका पूरा साथ देता है, और साथ में ये देखे लैला, ये देखे किधर आकर बैठ गई। और अभी मैं आया था पीकॉक को डाइट डालने के लिए, जैसे ही मैंने डोर खोला तो इस जगह पर आई हुई थी, मुझे इस कपड़े की वजह से जो है ना वो ऊपर कपड़े की वजह से दोस्तों नज़र नहीं थी आई, तो अब देखें इसके काम चेक करें। लैला क्या जी है, सारी जाली काट दी है, शर्मो नहीं आती हैं दोस्तों, इससे मुझे डर भी लगता है ये काटती भी है, जाना नहीं अपने केज में, नहीं जाना नहीं जाना, आ जाओ जाए लैला, लैला लैला लिट्टू, दोस्तों इसकी वजह से जो है ना वो दूसरे हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा शोर डाला हुआ है, तो अभी मैं जो है ना जल्दी से ग्लव्स लेकर आता हूँ, तो भाई फिर इसे पकड़ता हूँ, वैसे जो है ना इसका पकड़ना बहुत मुश्किल। और ये हमारे लड़ाकू मुर्गे भी बाहर काफ़ी अच्छे से डाइट शाइट खा रहे हैं, जो हमारे चूज़ों की गिरी हुई थी बाहर। दोस्तों ग्लव्स तो नहीं मिले मुझे, वो कहीं दूर पड़े हैं, तो मैंने इसे इसके अंदर ही पकड़ लिया है, और इसके काम चेक करें, देखें इसकी पकड़ देखें। और अब जो है ना मैं इसे ऐसे ही इसके केज के अंदर छोड़ कर आता हूँ जल्दी। दोस्तों अभी मैं लैला को उधर छोड़ कर आया हूँ, और इधर देखें ये मजनू हमारा जो है ना, इसके 200 पंख भी हैं और ये उड़ भी सकता है। चलो भाई उधर चलो 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 उधर, ये देखें दोस्तों ये उड़ भी सकता है, और ये जो है ना ये उड़ के जगह पर आ गया, तो अभी जो है ना इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और ये मोरों से भी मार खाएगा। मोरू पीछे हट जाओ, ये तो दोस्तों इसे मैंने पकड़ लिया अब, तो इसे भी अब जल्दी से छोड़ कर आते हैं, इसने अपनी दुम टेल भी ख़राब कर ली है इन्हीं चक्करों में। ये तो दोस्तों मजनू को भी मैं उस जगह पर छोड़ा हूँ, और अब इस जगह का जो है ना अच्छे से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये फिर कभी भी निकल सकते हैं, और भाई जैसे ये डोर ओपन हो तो ये यहाँ से उड़ भी सकते हैं। लैला तो नहीं उड़ सकती है, लेकिन हमारा मजनू जो है ना वो दोस्तों बड़ी आसानी से उड़ सकता है, तो मैं जल्दी से आप इसे कवर करता हूँ, और फिर जो है ना यहाँ पर आपने मिस्टर एंड मिसिस मिट्ठू का जल्दी से बॉक्स लगा देते हैं। ये तो दोस्तों बड़ी मुश्किलों से जो है ना ये सारा कवर कर लिया, और मिट्ठू का भी हमने बॉक्स लगा दिया, उम्मीद है कि यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे।
और दोस्तों बहुत ही जल्द जो है ना यहाँ पर एक मजबूत और अच्छी जो है ना जाली लगाएंगे, जैसी इनके केज के दरमियान में लगी हुई है वैसे की जो है ना हम यहाँ पर वायर का इस्तेमाल करेंगे ताकि भाई ये बाहर ना निकल सके। बघीरा क्या कर रहे हो, बघीरा इधर आ जाओ। दोस्तों अभी मेरी सफाई जा रही है और बघीरा जो है ना इस कारपेट पर आकर बैठ गया। बघीरा, और दोस्तों बघीरा जो है ना हमारा ये बड़ा आवारा हो चुका है और जब भी इसका दिल करता है दो दो तीन तीन दिन के लिए बाहर भाग जाता है, क्योंकि ये बिल्ला है और बिल्ले जो है ना अक्सर वो भाई टेम नहीं होते, उन्हें जितना मर्जी उनके साथ आप प्यार कर लें, जो मर्जी कर लें। हाँ, ऐसे हो सकते हैं कि आप उन्हें कैद में रखें अपने घर के नीचे निचले पोर्शन में रखें तो फिर वो भाई आपके पास कैद के अंदर रह सकते हैं। वैसे बिल्ला मेरा भी तकरीबन 15 से 16 साल का तजुर्बा है कैट्स का, भाई ये टेम नहीं होते। कैट्स जो है ना फीमेल वो भाई कहीं भी नहीं जाती, वो आप जो है ना उसका चाहे वो बड़ी लेकर आए उसे अपने पास रखें या छोटा सा बच्चा पाले, वो भाई बड़ी वफादार होती है। लेकिन ये बिल्ले जो है ना वो देखें अभी ऊपर भाग गया और इसका कोई पता नहीं, बिल्ले जो है भाई वो नहीं होते। अली आप भी बिल्ले हो वैसे। ये तो दोस्तों चूज़ों की हमने भी इनके केज की भी सफाई कर ली है, इन्हें बाहर निकाला था, अली ने काफ़ी ज़्यादा डाइट बाहर ही डाल दी है और ये बाहर ही पड़ी है। और अभी मैं बड़ी मुर्गियाँ खोलूँगा तो आपने भाग जाना है। दोस्तों इनके केज के अंदर ही इस जगह से पानी जाता था तो मैंने इस जगह पर प्लास्टिक पैलेस जो है ना वो पाउडर डाल दिया ताकि भाई अंदर पानी ना जाए, तो इस जगह से जो है ना वो निकलता था लेकिन इधर से ज़्यादा ही अंदर जाता था। ये तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार हमारे चैनल सच भतीजा प्रेस को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें और हमें सपोर्ट भी किया करें ताकि यार हम अपना बिग जू जो है ना फटाफट से तैयार करें। और ये हमारी डक्स भी देखें ज़रा, वो देखें वो आराम से बैठ गया ऊपर, वो मैंने इसके लिए ही जो है ना वो प्लाइयाँ वगैरह रखी थी, वो देखो कितने सुकून से बैठ गया। दोस्तों ये हमारा जो है ना ये मजूर वाला है ना वो है और ये ज़मीन से ऊपर होकर बैठ गया ताकि इसे या मज़ीद और ठंड ना लगे, काफ़ी ज़्यादा है जो है ना ठंड की वजह से काम करा।